सगाइज प्योर एंड्रॉय एक्सपीरियंस करना है अगर किसी इंसान को तो गूगल के पिक्सल डिवाइसेस के अलावा और कोई फ़ोन मेरे दिमाग में तो आता नहीं है भाई जो एकदम जो रियल एंड्रॉयड है वो उसका एक्सपीरियंस देखा जाए बट लास्ट ईयर पिक्सल बोला भाई हम इंडिया में रिलीज ही नहीं करेंगे फोन तो उन लोगों ने पिक्सल लॉन्च ही नहीं किया जो सिक्स सीरीज थी लेकिन इस बार इन लोग ने पिक्सल सेवन सीरीज को लॉन्च किया पिक्सल सेवन का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया आपने देख लिया होगा एंड उसी टाइम पे पिक्सल उसीवन प्रो भी ऑर्डर किया था लेकिन भाई फ्लिपकार्ट को अलग ही सूचता है वो अब जाके मेरे को भेजा है पिक्सल सेवन प्रो मेरे पास फाइनली आ चुका है चलो देखते हैं कैसा फोन है सारी बातें बताने वाला वालों भाई ये पिक्सल का गूगल का एकदम हाई एंड फ्लेक्शी फोन है अस्सी पचासी हजार रुपए का फोन है सब कुछ जानने वाले हैं स्टूडियो में जहीर एंड दिस अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन व्यू ऑफ दिस ूगल पिक्सल सेवन प्रो साउ लेट्स विगेन सो गई पहले तो हम लोग क्विकली अनबॉक्सिंग देख लेते हैं भाई प्रीमियमनेस प्रीमियमनेस भर भर के लेकिन भाई ये जो मेटल बैंड है इस पर तो कच्चे के माफिक स्क्रेचे जाएंगे ये है असली पिक्सल

तो सबसे पहले अगर इस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमको एंटीना बैंड देखने को मिल रहे हैं पावर बटन है ऊपर पावर बटन है नीचे वॉल्यूम लॉकर है उल्टा ही सिस्टम है इन लोगों का इधर पर भी एंटीना बैंड है नीचे की साइड की बात करूँ तो इधर पर हमको स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन ग्रिल मिलता है ये टाइप सी पोर्ट है और एक और एंटीना लाइन है इस तरफ भी दो तीन एंटीना लाइन है उसके साथ में सिम कार्ड का ट्रे है अरे यार इन लोग का मसला है लेकिन क्या बताऊँ इन लोग का मसला यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही सिम कार्ड लगाने का जगह है आप दो सिम कार्ड एक साथ नहीं लगा सकते अगर दो सिम कार्ड यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ई e सिम का सोल्यूशन ऊपर की साइड में एक और यहाँ पर माइक होल देखने को मिलता है उसके बाद इधर पे जो मिलीमीटर वेव वाला 5G है उसका यहाँ पर हमको नेटवर्क देखने मिलता है एंटीना बेसिकली मॉड्यूल देखने मिलते हैं तीन कैमराज है यहाँ पर एक, एक एक्स्ट्रा पेरिस्कोप लेंस है बाकी जो दो बड़े हैं यहाँ पर लेंस दिए हुए मेन और अल्ट्रा वाइड और पेरिस्कोप उसका एक और माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर फ्लैश है नीचे गूगल की ब्रांडिंग है इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है यार शी यार कितना गंदा है तो फोन हो चुका है चालू यहां पर कोई भी फालतू की एप्लीकेशन नहीं है जो भी एप्लीकेशन है वो सब गूगल की ही हैं एक काम करता हूं मैं इसको प्रॉपरली टेस्ट करता हूं सब कुछ डाल के फिर मैं आपके सामने ले जाता हूँ ऑलमोस्ट 24 घंटे से मैं इसके अंदर अपना मेन सिम कार्ड डाल के इसको एज अ प्राइमरी फोन यूज कर रहा हूं तो ज्यादा तो नहीं लेकिन 24 घंटे का एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो मतलब लिटरली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया मेरे को 70, में मिला है क्रेडिट कार्ड वगैरह डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद में एंड फॉर सेवेंटी एक डेफिनेटली फ्लैगशिप फोन का एक्सपीरियंस हमको देख जाता है सबसे पहले तो भाई बिल्ड क्वालिटी की बात करू तो पूरा फ्रेम जो है इसका एल्यूमिनियम में बना हुआ है और फोन काफी मजबूत फील होता है और ये जो गोल्डन कलर का है ये जो ये वाला कलर मेरे को बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा भाई मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलता है भाई आई एम प्रीमियम फोन और प्लस पर हल्का सा जो curved, बहुत curved नहीं है, हल्का सा सा जो है 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 बहुत ज्यादा कर्व नहीं इस चीज की वजह से जो प्रीमियम और ज्यादा बढ़ जाती है इतना अच्छा मस्त इधर से पूरा बार एकदम है क्या लुक आता है भाई बाकी इन हैंड फील वगैरह भी बहुत जबरदस्त है साइड से जो ये फ्रेम वगैरह काफी अच्छे से एकदम मिक्स है यहाँ पर फ्रंट साइड में हल्का सा शार्प है वो आपको फील होगा कार्डर भी हल्का सा शार्प है वो भी आपको फील होगा लेकिन बहुत कम है बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है भाई एंड फोन का वेट बैलेंस वगैरह बहुत तकड़ा किया

मिलती है और ये एक टू के स्क्रीन है बहुत तगड़ी ब्राइटनेस वगैरह भी मेरे को बहुत जबरदस्त लगी भाई जैसे आप लोग पर पर देख रहे हो और ओवरऑल जो डिस्प्ले डिस्प्ले की क्वालिटी है 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 वो बहुत ही ज़्यादा एक OLED डिस्प्ले है। मेरे को यहां पर कलर शिफ्टिंग का था, कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा था, था ना तो ग्रीन टिंट हल्का सा जो एज है वो थोड़ा सा फोल्ड है ना तो उसके जब थोड़ा सा फोल्ड करो तो हल्का सा ग्रीनिश सा टिंट आता है लेकिन वो जो ग्रीन टिंट वगैरह का इशू है मेजेंटा टिंट वगैरह का वो इशू मेरे को यहां पर फेस नहीं हुआ एक तो पहली बात टू के डिस्प्ले है और वन ट्वेंटी हर्च फ्रेशन तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत तगड़ी निकल के आती है आप लोग इजिली एच में वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हो और वीडियो की क्वालिटी देखो भाई क्या प्यारी क्वालिटी निकालता है मतलब मजा आ गया तगड़ा इवन वीविंगल्स वगैरह भी एकदम जबरदस्त है भाई एक पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस वाला फोन है तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको निकाल के देता है यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में तो भाई सुपरभ है ये एच वीडियो है 60 एफ में मस्त चलाता है भाई और क्वालिटी वीडियो वगैरह की बहुत जबरदस्त निकाल के देता है अब देखो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ ना मैंने ये चीज नोटिस करी है कि इसका जो वाईफाई का स्ट्रेंथ है वो मतलब मेरे जो बाकी अदर फोन है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके कम्पेरिजन में थोड़ा सा कम लग रहा है पता नहीं क्यों किसी के पास अगर ये वाला फ़ोन हो पिक्सल सेवन प्रो तो मेरे को बताना भाई क्या आपको भी ऐसा फील हुआ कि वाईफाई का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह थोड़ी सी कम मिलती है मुझे पता नहीं मेरे फोन में है या फिर लोगों के फ़ोन में लोगों ने नोटिस करा है बाकी नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आप लोग एच डी आर टेन में वीडियोज़ देख सकते हो वाई डन एलवन का सपोर्ट तो है उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और भाई अगर मैं इसके स्पीकर्स की बात करूँ देखो भाई बग 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 नोटिस किया बग ने मतलब फ्रीज हो गया था ये फोन <laughs> इतना महंगा फोन है फिर भी फ्रीज हो रहा सोचो पकड़े क्वालिटी का स्पीकर है लेकिन नीचे से थोड़ा सा ज्यादा आवाज़ आता है स्पीकर का क्वालिटी सुपर है ए वन मजा आएगा आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा बाकी बात करूँ तो भाई इसके अंदर फाइव वगैरह का सपोर्ट है नेटवर्क वगैरह मेरे को अच्छा लगा बस वही वाई का जो मैंने आपको बताया उसके अलावा तो मेरे को जो फोर का नेटवर्क है उसकी सेटिंग्स तो मतलब उसमें तो सही लगा यहाँ पर फोर प्लस का सिग्नल मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिला फोर जी तो ठीक है वाई फाई अरे क्या मैनीशन है यार नेक्स्ट लेवल है कसम से ओ भाई स्पीड तो बड़ी तकड़ी आ रही है बट कभी कभी चलता ही नहीं है मतलब इधर पे अगर देखेंगे स्पीड टेस्ट में तो अच्छा चल रहा है लेकिन स्पीड एक्चुअली में कभी कभी प्ले स्टोर वगैरह में थोड़ी सी स्लो मेरे को फील होती है लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कॉल वगैरह करके देखा ईरपिस का साउंड वगैरह अच्छा है स्पीकर का भी आवाज़ अच्छा है माइक का भी पिकअप वगैरह अच्छा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी एक दिक्कत है भाई एक ही सिम कार्ड लगता है मेरा मेन सिम कार्ड इसके अंदर है दो सिम कार्ड यूज़ करना है तो आपको भाई वो पचरा पालना पड़ेगा जो आईफोन में पालते हो भाई वो जो ई सिम वाला है मुझे पर्सनली वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोन चेंज करता हूँ तो उनके लिए तो नहीं है भाई डेफिनेटली अगर आप वैसे इंसान हो तो दो एक ही सिम कार्ड आपको चलाने मिलेगा इतना समझ लो भाई लेकिन उसके अलावा तो नेटवर्क वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिला उसके बाद सिक्योरिटी की बात करूं तो गूगल की खुद की टाइटन चिपसेट वगैरह इसके अंदर आती है और एक डेडिकेटेड हार्डवेयर इसके अंदर प्रेजेंट है जिसकी वजह से भाई जो इसका सिक्योरिटी लेवल है वो एक नंबर हो जाता है बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो एकदम परफेक्ट पोजिशन में है यहां पर नीचे नहीं है बहुत सारे फोन में इधर नीचे देता है वो बहुत अजीब सा लगता है भाई इधर एकदम परफेक्ट है तो अगर मैं तो एकदम देखो कितना फास्ट है फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मेरे कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगा और जो एनिमेशन है भाई देख रहे हो ऐसा मतलब देखो ऐसा दबाता हूँ तो ऐसा निकलता एकदम मस्त एकदम भारी सा तो एनिमेशन तो भाई इसके बहुत ही लाजवाब है अब ये जो फेस अनलॉक है इसका फेस अनलॉक भी भाई मस्त है और फेस अनलॉक जब खुलता है तो इसके अंदर अलग टाइप का एनिमेशन आता है देखो फेस अनलॉक तो खुलता था तो सब पूरे ऐप्स ऊपर आते हैं और जो इसके एनिमेशन है मैंने सोचा था कि भाई इतने खास नहीं होंगे लेकिन जो नेक्स्ट लेवल रेंटरिंग होती है जो वन ट्वेंटी पर सब कुछ चलता ना भाई जुम्मे मज़ा आ जाता है लिटरली बहुत तगड़ा है मतलब अभी मैंने 24 फोर आवर्स यूज़ किया लेकिन बहुत जबरदस्त एनिमेशन तो भाई कमाल मतलब लिटरली आईफोन के लेवल का आईफोन का जो एनिमेशन है वो तो अभी एकदम बकवास हो गया है बिकॉज ये जो नया वाला फोन आया है आई 16 बहुत ही ज़्यादा बेकार है लेकिन ये एंड्रॉयड थर्टीन भाई एक नंबर है मज़ा आ रहा है सच में यूज़ करने में मजा आ रहा है आ रहा। बाकी इसके अंदर 5000 थाउजेंड बैटरी है 23 थ्री वोट की फास्ट चार्जिंग हमको देखने को मिलती है जी हाँ बेसिकली स्लो चार्जिंग है वायरलेस चार्जिंग है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है आईपी पी सिक्सटी की रेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बैटरी लाइफ भी मेरे को काफ़ी जबरदस्त लगी बिकॉज सुबह से मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी थर्टी फाइव परसेंट आई है दैट मीनस बैटरी लाइफ इसकी काफ़ी अच्छा है एज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन बट फास्ट चार्जिंग नहीं ये चीज़ आप लोग याद रखना वो स्लो ही चार्जिंग है प्लस चार्जर भी बॉक्स में नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लगता है बाकी उसके बाद आगे बढ़ू कैमरास की तरफ 50 मेगापिक्सल का हमको मेन कैमरा देखने को मिलता है 12 मेगापिक्सल का हमको अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिलता है यहाँ पर और ये टेलीफोटो लेंस है बेसिकली फाइव एक्स जूम लेंस है फोर्टी एट मेगा पिक्सल का टेन पॉइंट एट का कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट फेसिंग वाला चलो हम लोग क्विकली फोटोज वगैरह देख लेते हैं सबसे सब पहले देखो मेन कैमरा से मैंने ये फोटो ली है एंड भाई क्या तगड़ी फोटो ली है मतलब इसने पहले जब देखो आप तो अच्छी नहीं दिखती लेकिन प्रोसेसिंग का एक नंबर फोटा दी थे एकदम फुल कॉन्ट्रास्टी लुक आ रहा है एकदम तगड़ा वाला ये भी देखो थोड़ा सा लाइटिंग सिचुएशन आर

एंड ये सेवन एक्स फोटो है मतलब ये फाइव एक्स वाला सेंसर बहुत कम मतलब बहुत उजाला होता है तो ही उठता है मतलब चालू होता है अब ये थर्टी एक्स है ऑलमोस्ट थर्टी एक्स है देखो थर्टी एक्स में भी काफी फोटो निकाल पाता है बाकी पोर्ट्रेट मोड की बात करू तो पोर्ट्रेट मोड भाई इतना कुछ खास नहीं है ये टू में है मतलब मुझे पर्सनली इससे बेटर पोर्ट्रेट मोड आईफोन का लगता है बट ये भी अच्छी फोटो निकाल पाता है खराब नहीं है लेकिन उतना कुछ खास भी नहीं है बट अगर लो लाइट की तरफ मूव करू तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली मैटर करता है चीजें देखो ये अल्ट्रा वाइड है इवन लो लाइट के अंदर भी अल्ट्रा वाइड काफी तगड़ी फोटो निकालता है मेन संजर मेन संसर तो भाई बाहरी फोटो निकालता है देखो क्या तगड़ी फोटो निकालता है मेन संजर ये टू एक्स है और उसका देखो ये अल्ट्रा वाइड है अल्ट्रा वाइड बहुत जबर है, मतलब रात में मतलब सोचा नहीं था इतना बड़ा तो लगा ये देखो ये वन एक्स है लेकिन इधर पे देखो ये जो पार्ट है ये झाड़ का पार्ट देखो झाड़ियों का पार्ट और उसके बाद यहाँ पर झाड़ियों का पार्ट देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो मेन सेंसर है वो लो लाइट में बहुत ही तबाही फोटो निकालता भाई मतलब ज़बरदस्त देखो ये अल्ट्रा अल्ट्रावाइट कैमरा देखो, देखो। रात में भी कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से उसने कैप्चर करे हैं जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है मतलब फोटोज़ वगैरह की क्वालिटी भाई एक नंबर आती है ये टू है ये फाइव है ये देखो थर्टी है ओके गाइस सो ये फोर के सिक्सटी एफ में वीडियो शूट हो रही है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है वॉट यू गाइस थिंक मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ अगर फोर के सिक्सटी एफ में भी तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है देखो अब यहाँ पर हम टू एक्स पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं फाइव पे भी जाने का ऑप्शन है फाइव वाला कैमरा है भाई ये भी बहुत तगड़ा स्टेबलाइज है भाई वेरी नाइस अब डायरेक्टली अल्ट्रा अल्ट्रावाइड पर स्विच हो सकते हैं इवन जो अल्ट्रा अल्ट्राइड है कलर्स देखो बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ देखो मेन कैमरा अल्ट्रा अल्ट्रावाइड अभी भी उतना सिमलेस नहीं है लेकिन कलर्स वगैरह काफी अच्छे आए हैं क्वालिटी सीम्स टू बी बीटी गुड वट यू गाइस थिंक मतलब आपको कैसा लग रहा है अगर मैं देखो पीछे कैमरा से ब्लॉक करने की कोशिश करू तो कुछ इस तरह का वीडियो बना लेता है पीछे कैमरा से देखो पीछे मेरा अपोजिट में लाइट है इस तरफ लाइट कम है तो अल्ट्रा अल्ट्राइट से कुछ इस तरह का है लेकिन मेन सेंसर जब आता है तो मेन सेंसर से कुछ इस तरह का बनता है फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं हम लोग अब ये वीडियो फ्रंट फेसिंग कैमरे से बन रहा है मतलब ये फोन ऐसा है जिसके अंदर चारों कैमरे से फोर के सिक्सटी एफ एस का बनाने का ऑप्शन है बेसिकली वीडियो में लेकिन अभी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मेरा फेस बहुत ज्यादा आप लोग कैसा लग रहा है डू लेट मी नो मतलब

आप अगर वो टेन एस होता तो मैं टेलीफोटो एकदम तगड़ा वाला फायदा उठा पाता लेकिन फाइव एक्स में मेरे को इतना कुछ ज्यादा यूज नहीं लगा वो कैमरे का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी काफी अच्छी है फोटोज वगैरह के मामले में मस्त है बट जो वीडियो के मामले में अभी भी आईफोन बेटर है सो so भाई ये था ओवरऑल कैमरा अब आगे बढ़ू परफॉर्मेंस की तरफ तो भाई इसके अंदर हमको टेंसर का जी टू देखने को मिलता है एंड मैंने प्रॉपरली इसका बेंच वगैरह रन करके देखा है एंड भाई साहब क्या जबरदस्त है देखो बेंच देखो पहले तो एन टू टू तो सेवन स्कोर आया जो कि काफी अच्छा है मतलब एट सेवेंटी ट्रिपल एट के लेवल का है उसका बाद थ्री स्टोरेज है उसका भी स्पीड

गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली नहीं बोलूंगा मैं लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से थोड़ी बहुत गेमिंग टेस्ट करी 90 एफ भी इजीली चला ले रहा है ज्यादा लंबा मैंने प्रोलॉन्ड गेमिंग सेशन तो नहीं खेला लेकिन भाई अगर आप कैजुअल गेमर हो तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगा आप डेफिनेटली खेल सकते हो ज्यादा रेटिंग का भी मैंने साइन यहाँ पर नोटिस नहीं किया बाकी इसके अंदर जो ये सॉफ्टवेयर आता है भाई यही इसकी शान है जान है और मतलब देखो यहाँ पर एंड्रॉइड थर्टीन पर ऑलरेडी आ रहा है बहुत ही ज्यादा क्लीन कुछ भी कचरा नहीं आता है कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे फोटो अनब्लर वगैरह हो गया

एक तगड़ा कंपटीशन पर आया है एंड्रॉइड के मार्केट में अभी तक क्या ऐसा होता था कि 60 दिमाग ले लो। अगर नहीं चीज़ तो फिर में सिर्फ आपके पास का रहता। लेकिन अब आया है मार्केट में एंड्रॉइड का किंग एंड आई पर्सनली फील कि अगर ये थोड़ा सा सही प्राइस में इन लोग रखे ना क्योंकि फोन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मिला फिर वापस एटी फाइव थाउजेंड कर डिफरेंस का डिस्काउंट मिला अब भाई वो पंद्रह हजार रुपए के चक्कर में कौन खरीदेगा जो एटी फाइव थाउजेंड में क्यों ही कर देंगे जब लोगों को कुछ लोगों को में मिल गया आई मीन सेवेंटी थाउंड मिल गया तो सेवेंटी थाउजेंड इसका अगर प्राइस होता ना भाई तो लिटरली अंगार लगा देता मेरे को तो फोन तड़ा लगा है लेकिन और भी सारी चीजें मैं फोटो रिव्यू में कवर करूंगा तो स्टे ट्यून रहना उसके लिए बाकी इतना ही था तई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक तो शेयर सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो गाइस बाय